में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्वर्ण व्यापारी के साथ लूट व हत्या करने के प्रयास का कुशीनगर पुलिस ने किया खुलासा। स्वर्ण व्यवसाय से लूट और हत्या करने के प्रयास का पुलिस ने किया खुलासा। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने नकली नोट छापने की मशीन, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 11 अदद सिम, 1 अदद चाकू सहित 67,700 रुपया पुलिस ने 4 अभियुक्तों के पास से किया बरामद। व्यापारी से लूट के नियत से किया गया था हमला। पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है दर्जनों मुकदमा। बीते 8 दिसंबर को पटहेरवा थाना क्षेत्र में हुआ था स्वर्ण व्यवसायी के ऊपर हमला। वांछित अपराधी गोगा उर्फ जैनुद्दीन, निजामुद्दीन अंसारी, इकबाल अंसारी, नीरज गुप्ता। आइए सुनते हैं इन अपराधियों की कहानी। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र की जुबानी। हिंदुस्तान न्यूज 24 से प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। स्वर्ण व्यवसायी का क्या मामला है? ये थाना पटहेरवा क्षेत्र में बड़ारा तिराहे के पास शराब की दुकान करने वाले कुरुपट्टी थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा वर्मा जब शाम को 6 बजे अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तो दुकान से निकलने के बाद अशोकवा गांव के पास 3 लोग मोटरसाइकिल से उनको मिले थे, जिन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। न रुकने पर उन्हें ओवरटेक करके उनके ऊपर फायरिंग की गई और फायरिंग में एक फायर उनको जांग में लगा था, उसके बाद मैगजीन पिस्टल की गिर गई थी, दूसरा फायर नहीं हो पाया था। चाकू से फिर उनके ऊपर वार किया गया था, उनके चेहरे पर और सिर में चोटें थी। तुरंत उनको मेडिकल एड दी गई और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर पाई गई थी। अब वो काफ़ी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन घटना की सूचना मिलने के पश्चात तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम थाना बिशनपुरा क्षेत्र की, दूसरी टीम थाना पटेरवा की और तीसरी टीम स्वाट टीम। तीनों टीमों के कोऑर्डिनेशन से अभियुक्तों की सघन तलाश और चारों तरफ चेकिंग शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त गिरफ्तार हुए। घटना में तीनों शामिल अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उनके साथ जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी काली पल्सर, उसके बारे में पता करने पर चौथा अभियुक्त मिला, जिसने इनको हथियार भी दिया था और उसके घर की तलाशी ली गई, तो वहाँ नकली नोट 67,700 बरामद किए गए। और वो नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर मशीन और कार्टिज और पेपर, ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल की गई थी नकली नोट में, वो सब चीज़ें बरामद की गई। अभियुक्तों के कब्जे से 5 मोबाइल सेट और 11 सिम बरामद हुए और घटना में प्रयुक्त की गई पिस्टल बरामद की गई, 2 कारतूस बरामद किए गए। मकसद क्या रहा सर इन लोगों को? मकसद लूट का था कि उनके पास जो कुछ सामान हो छीन लिया जाए, क्योंकि अभी ये अभियुक्त इनमें से सब जेल से छूटे थे और ये 3 अभियुक्त जो घटना में शामिल थे इनका अलग, ये बाद में जेल में गए थे और जिस अभियुक्त ने इनको गाड़ी दी थी वो पहले से जेल में था, जेल में इनकी मित्रता हो गई थी। जेल से छूट कर आने के बाद वो अपने नकली नोट के धंधे में लगा था, इन लोगों को भी शामिल कर रहा था कि ले जा करके उसको चलाओ, लेकिन ज़्यादा उससे उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा था, इन्हें तत्काल ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने सलाह दी कि ये काम कर लो, जिसके आधार पर उनको आसान टारगेट मान करके लूटने का प्रयास किया गया था। हालांकि उन्होंने बताया अपने बयान में उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन इनका अनुमान था कि शायद ज़्यादा सामान मिले, ले जाने में बिल्कुल सफल नहीं हो पाए, तक कुछ नहीं मिल पाया इनको और इस घटना के बाद इनका खुलासा भी हुआ। ठीक।